डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमने लेजर लाइट ली है और एक ग्लास लैंप लिया है। ये एक डिफरेंट मीडियम कह सकते हैं। अगर लाइट एक ही मीडियम में रहती है तो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। हमारा ये इस तरह से यहाँ से देखा है आपको ये पॉइंट, और ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ही जाना है इसे, इसे अपना पाथ चेंज नहीं करना है, ऐसे जाएगी स्ट्रेट। अगर इसको ऐसे रख दूँ तो ये बीच में दिखेगा नहीं, पर मैं अगर फिंगर लगाऊँ तो आपको पता लगेगा ये बिल्कुल स्ट्रेट जाने वाली है। पर अगर हम कोई मीडियम डाल दें तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब मैं अगर लेजर यहाँ पे लगाता हूँ इस केस में, इस तरह से लेके जाता हूँ तो आपको डिविएशन दिखेगी बिल्कुल क्लियर। दिख रही है आपको इस तरह से, देखिए डिविएशन कर रही है। अब इसका पाथ नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो इस तरफ को लाइट निकल रही है वो क्या है, वो रिफ्लेक्शंस हैं। 100% रिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा, अंदर नहीं जा रही है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है, बट हमें फोकस करना है रिफ्रैक्टेड पार्ट पे। और लाइट दो जगह डायरेक्शन चेंज कर रही है, एक तो जस्ट ये एंटर की राइट, बट देखिए उसके बाद जब निकल रही है तब भी पाथ चेंज हो रहा है। अगर इस लाइट के फिनोमेना को समझने के लिए हमें डायग्राम्स बनाने के लिए हेल्प चाहिए कि लाइट किस तरफ मुड़ेगी, तो उसके लिए आप अपना हाथ यूज़ कर सकते हैं। हाथ को ऐसे बांध दीजिए और इसको एक गाड़ी समझिए, और एक टायर इस साइड और एक टायर इस साइड, समझ सकते हैं। तो अगर कोई रुकावट ना हो तो गाड़ी हमारी सीधी जानी है। मैं जो लाइन है उसको यहाँ पर सेंटर में ले रहा हूँ, तो उस तरह से ऐसे सीधे, बिल्कुल सीधे लाइट जाएगी क्योंकि कोई रुकावट नहीं है। इफ़ देर इज़ नो मीडियम डिफरेंस द लाइट विल ट्रेवल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी जैसे हमारी लेज़र जा रही थी। बट जैसे ही हमारा ये एक मीडियम आ जाता है जो रुकावट पैदा करेगा लाइट के लिए, तो हमारी लाइट या हमारी गाड़ी को क्या होगा वो देख लेते हैं। इस तरह से हमारी गाड़ी सीधी सीधी आएगी, बट आप देखिए टक्कर कहाँ हुई, ये वाले टायर पर टक्कर हुई। तो जैसे ही इस टायर पर टक्कर हुई तो ये थोड़ा सा इस तरफ झुक जाएगा, देखिए यहाँ पर ही, इसीलिए हमें जैसे ही टक्कर होती है यहाँ पर हमारी लाइट इस तरफ को मुड़ जाती है, यही तो हमने देखा। अब देखिए जैसे जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ये टायर पहले ही बाहर निकल चुका है, अभी तक ये टायर बेचारा अंदर फंसा हुआ है, यानी कि इस पर ब्रेक्स लगी हुई हैं। तो इसने क्या करना है, इसने इसको इस तरफ घुमा देना है और इस तरह से हमारी गाड़ी निकल जाएगी। दोबारा देखिए लेज़र के साथ क्या कर रहे हैं, इस तरह से गाड़ी जा रही थी, ये देखो डेविएट हुई और जब बाहर निकली तो फिर उस तरफ चली गई। हाथ से समझने के लिए गाड़ी समझ लिया, एक टायर इस साइड एक टायर इस साइड, और सेंटर में ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको आप लाइन की दिशा में लाइए। ब्रेक कहाँ लगी, यहाँ पर इस टायर पे, तो इसने इसको उस तरफ मोड़ देना है, तो इसीलिए हमारे को डिविजन मिल रही है। और जब बाहर निकला ये टायर बाहर निकल गया, पर इसमें अभी तक ब्रेक लगी है, तो उसने इसको फिर इस तरफ मोड़ देना है, इसीलिए हमें इस तरह की डायरेक्शन मिल रही है। लाइट दो टाइम दो जगह अपनी स्पीड चेंज कर रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि ये मीडियम अलग हो गए, पहले एयर में थी अब ये एक डेंसर मीडियम आ गया। डेंसर मीडियम से जब खाली मीडियम में एयर में अगेन जा रही है तब भी पाथ चेंज करेगी, क्योंकि यहाँ भी तो इस सरफेस पे भी तो सर जो मीडियम है चेंज हो रहे हैं। इस सरफेस के अगर हिसाब से देखें तो यहाँ भी तो मीडियम चेंज है, एक तरफ कुछ और है, एक तरफ कुछ और है, यहाँ पर भी एक तरफ कुछ और है, एक तरफ कुछ और है।